प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी परियोजना मेक इन इंडिया को अमेरिका ने बड़ा झटका दिया है। अमेरिका की मशहूर इलेक्ट्रिक व्हीकल निर्माता कंपनी टेस्ला भारत की बजाय चीन में अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने जा रही है। द वॉल स्ट्रीट जर्नल की खबर के अनुसार टेस्ला ने पहली बार अमेरिका से बाहर कारखाना खोलने के लिए चीन के साथ करार कर लिया है। टेस्ला के इस फैसले को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेक इन इंडिया मुहिम को बड़ा झटका माना जा रहा है। दरअसल एक रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने टेस्ला को किसी भारतीय ऑटोमोबाइल निर्माता के साथ भारत में कारखाना खोलने के लिए प्रस्ताव दिया था। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी साल 2015 में टेस्ला के फ्रीमोंट स्थित कारखाने का दौरा किया था, जिसके बाद इसी साल जून में टेस्ला के प्रमुख एलन मस्क ने ट्वीट कर बताया था कि उनकी कंपनी इस मसले पर भारत सरकार के साथ बातचीत कर रही है। सूत्रों के मुताबिक कार कंपनी स्थानीय कारखाने के निर्माण तक आयात से जुड़े जुर्माने और अन्य पाबंदियों में ढील चाहती थी, लेकिन इन तमाम अटकलों के बीच अब खबर आई है कि टेस्ला के प्रमुख मस्क और चीन की सरकार के बीच निर्माण इकाई स्थापित करने को लेकर मंजूरी बन चुकी है। रिपोर्ट के अनुसार चीन में बनने वाली इस कारखाने का मालिक टेस्ला होगा, न कि उसे तैयार करने वाला स्थानीय निर्माता। चीन ने इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स की सुविधा के लिए हाल ही में कुछ कानूनी रियायतें दी हैं। माना जा रहा है कि चीन टेस्ला को 25% आयात शुल्क में शायद छूट दे, इसी वजह से टेस्ला ने चीन का रुख किया है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।